तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फ्लॉप हुई मूवी आदि पुरुष के बारे में। भाई 700 करोड़ की मूवी थी तो बात करना तो बनता है, तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें अब मतलब इनके मेकर्स क्या है मुझे पता ही नहीं चलता। अब इसमें से कुछ डायलॉग्स को चेंज कर दिया गया है, तो मतलब अगर आप अब मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको पुराने वाले डायलॉग्स नहीं मिलेंगे। तो हम बात करते हैं कि किस किस डायलॉग्स को चेंज किया गया है। तो नंबर एक पर है, जब हनुमान जी लंका दहन के बाद वापस आते हैं तब सुग्रीव उनसे पूछते हैं तुमने वहां पर क्या बोला, तो हनुमान जी बोलते हैं जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा देंगे। अब इसको चेंज कर दिया और बोल दिया कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका जला देंगे। मतलब मैं शो के मेकर्स को कहना चाहता हूँ कि अगर डायलॉग्स चेंज ही करना था तो लिखना ही नहीं चाहिए था, ऐसे भी उल्टा फुल्टा डायलॉग तो तुमने लिख के रखा है। नंबर दो पर है, जब हम हनुमान जी अशोक वाटिका में थे तो ढकासुर बोलता है तू अंदर कैसे घुसा, तू जानता भी है मैं कौन हूँ और ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या। इसको चेंज करके तुम अंदर कैसे घुसे, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, ये कोई मैदान है जो घूम रहा है। नंबर तीन है, जिसमें मेघनाथ हनुमान जी की पूछ में आग लगाता है, ये फेमस सीन है, आपने भी सुना होगा मैंने भी सुना होगा क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में था कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। इसको भी चेंज कर दिया और बाप की जगह लंका लगा दिया कि तेल तेरे लंका का, कपड़ा तेरे लंका का, आग तेरे लंका का और जलेगी भी तेरे लंका की। अब नंबर चार पे है, जब रावण अपने हाथों से अपने चमकादर को मांस खिलाता है, इस सीन को तो पूरी तरीके से मूवी से ही डिलीट कर दिया। अरे सोच समझ के ना मूवी बनाई जाती है। और फिर नंबर पाँच पे आता है, ऐसा सीन जिसको शो के मेकर्स ने हटाने के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे कि एक सीन और था, जब इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ कर लाता है तो रावण मास्क पहनकर कुछ वेल्डिंग कर रहा होता है। अबे वो लंका का राजा था, वो कुछ वेल्डिंग करेगा मास्क पहन के, वो भी उस जमाने में। और एक सीन जब जिसमें भगवान राम और रावण एक साथ मुक्का फाइट कर रहे हैं, मुक्का लात से फाइट करें, अभी वो तीर धनुष का जमाना था, उसमें मुक्का फाइट नहीं होता था, ये भी इनको नहीं समझ में आया। और इसके बाद एक सबसे घटिया चीज कि उसमें पूरी मूवी में रात में लड़ाई करवा रहे हैं। अभी उस जमाने में ना सूर्यास्त होते समय ही लड़ाइयाँ बंद हो जाती थी, चाहे कितनी बड़ी लड़ाई हो, मतलब इनको कुछ समझ ही नहीं आता, शर्म की बात क्या हो सकती है इससे ज़्यादा। तभी शो के मेकर्स